प्रभु प्रभु हनुमान आइए प्रभु चलिए आइए वानर भालू आदि करोड़ों की संख्या में हनुमान तुम्हारी एक शंख ध्वनि के आह्वान पर इतने वानर भालू आदि ये तो अद्भुत है प्रभु हनुमान तो मात्र माध्यम है इन असंख्य वानरों और भालुओं को एकत्रित करने का श्रेय तो भ्राता सुग्रीव को है ये सब यहां अपने महाबली राजा सुग्रीव से मिलने एकत्रित हुए हैं इन्हीं के अधीनस्थ हैं ये सब प्रभु मेरे अधीनस्थ ये विशाल वानर भालू समूह अब आपके अधीनस्थ हैं लंकेश रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपाया हो किंतु अब संसार की कोई भी शक्ति हमें उन्हें ढूंढने से नहीं रोक पाएगी कल्पना से भी परे है ये सब राम भैया काका महाराज हमारे विभिन्न क्षेत्रों के समस्त वानर प्रमुख एवं बड़े योद्धा यहां आपके समक्ष उपस्थित हैं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं हमारे मित्र प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का उस दुष्ट रावण ने छल से हरण कर लिया है उस मायावी राक्षस ने माता सीता को किसी अज्ञात स्थान पर छुपा कर रखा हुआ है अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें ढूंढने में प्रभु श्री राम की सहायता करें वानर वीरों तुम्हारे अधिपति सुग्रीव का आदेश है तुम सबको चारों दिशाओं में फैल जाओ संसार में ऐसा कोई स्थान ना बचे जहां तक तुम सब में से कोई पहुंच ना पाए एक माह का समय है तुम्हारे पास ढूंढो माता सीता को एक माह के अंत तक यदि तुम सब माता सीता को ढूंढने में असमर्थ रहे तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा मृत्युदंड ये क्या कह रहे हैं महाराज सुग्रीव वानर प्रमुख महाबली विंता तुम अपने वीर वानरों के साथ उस दिशा में जाओगे जहां से प्रतिदिन मेरे पिता सूर्यदेव अपनी यात्रा आरंभ करते हैं अर्थात पूर्व दिशा में आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन होगा महाराज नगर हो वन हो बीहड़ हो या सरिता हमारी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा संपूर्ण क्षेत्र में भली भांति ढूंढकर एक माह के भीतर लौट आएंगे हम राम महाराज राम श्री राम चलो मेरे वीर वानरों हमें सीता माता का पता लगाना है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
मेरे श्वसुर श्री महाबली वानरराज सुषेण जी। आज्ञा दे महाराज सुग्रीव। आप योद्धा चिष्मान और आचिर माल्य के साथ वीर वानरों को लेकर मेरे पिता सूर्य देव के अस्तांचल अर्थात पश्चिम दिशा की ओर सौराष्ट्र बहिलक और कच्छ होते हुए आगे बढ़े। वहां आपका सामना रेत के समुद्र मरुस्थल से भी होगा जो नरकासुर का क्षेत्र है। किंतु आप सबको उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रावण उस असुर की सहायता से सीता माता को वहां भी छुपा सकता है, अतः वहां का कोना कोना देख डालिए। ऐसा ही होगा महाराज सुग्रीव। हमारा सौभाग्य होगा यदि हम देवी सीता के बारे में ज्ञात कर सके। आज्ञा दीजिए महाराज। उत्तर दिशा में स्थित दिव्य तपोभूमि हिमालय क्षेत्र में जाने के लिए कोई वीर और समर्थ योद्धा चाहिए। जो हिम क्षेत्र के दुर्गम स्थल पर जाकर माता सीता के बारे में ज्ञात कर सके। काकाश्री, कदाचित रावण उत्तर दिशा में नहीं गया होगा क्योंकि प्रभु श्री राम ने उस क्षेत्र को पहले ही असुरों और राक्षसों से विहीन कर दिया है। अंगद, निसंदेह प्रभु ने उत्तर दिशा के असुरों का अंत कर दिया है, किंतु असुरों की मायावी शक्ति और छल कपट हमारी कल्पना से भी परे है, और माया में तो रावण सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए हमें पूर्ण सजगता और सतर्कता के साथ हर दिशा में माता सीता के बारे में ज्ञात करना चाहिए। हाँ अंगद, मायावी राक्षस कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वीर ऋच योद्धा शतबली, उत्तर का दायित्व आप संभालेंगे। मेरा सौभाग्य है कि इस अभियान में मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ। मैं हिमालय पर्वत के शिखर तक जाकर भी एक माह के भीतर माता को ढूंढ कर लाऊंगा। युवराज अंगद, आज्ञा दीजिए काका महाराज सुग्रीव। दक्षिण दिशा के तीनों सागरों से घिरी भूमि का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। रावण के दक्षिण दिशा की ओर जाने की ही सर्वाधिक संभावना है, अतः मेरी तुमसे सर्वाधिक आशा रहेगी। जाकर दक्षिण क्षेत्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में सीता माता को ढूंढो। एक माह के भीतर कार्य को संपन्न करके लौटना है तुम्हें, किंतु स्मरण रहे असफलता का अर्थ है मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। काका महाराज, असफल नहीं काकाश्री, आपके प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से सफल होकर ही लौटूंगा। अंगद, मैं तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ 5 योद्धा प्रदान करता हूं। अतुलित शौर्य संपन्न गंधमादन, उल्कामुख अनंग, विश्वकर्मा एवं अग्निपुत्र नल और नील, और यही नहीं
ब्रह्मदेव के पुत्र महाबली एवं नीति निपुण जामवन जी भी तुम्हारे साथ होंगे। और तुम्हारे साथ होंगे मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे हित चिंतक, हम सबसे महान वानर कुल के गौरव महाज्ञानी महाबली हनुमान। हनुमान, 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 हनुमान। महाराज काकाश्री, जब आपका वरद हस्त हो, प्रभु श्री राम जी की कृपा हो, अनेक शूरवीर योद्धाओं और महाबली हनुमान जी का साथ हो, तो सफलता तो अवश्य ही प्राप्त होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। श्री राम, जय 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 श्री राम। चले हनुमान जी, प्रभु आज्ञा दीजिए प्रभु। आज्ञा दीजिए भ्राता लक्ष्मण। कुछ विशेष बात है हनुमान, तो निसंकोच कहो। प्रभु,
प्रभु, यदि हम माता सीता तक पहुंच गए तो उन्हें कैसे विश्वास होगा कि आप ही के आदेश पर हम उन्हें ढूंढने आए हैं और आपके दूत हैं हम। तुम्हारी विवेकशीलता प्रशंसनीय है हनुमान। जहां विवेक और बल एक साथ हो वहां तो सफलता निश्चित ही है। ये लो हनुमान। मेरी ये मुद्रिका, जब तुम देवी सीता से मिलोगे तो इसे देखकर वो शीघ्र ही पहचान जाएंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें बताना कि उनके बिना राम अधूरे हैं। और राम शीघ्र ही उन्हें रावण से मुक्त कराने आएंगे। हाँ प्रभु। मैं शीघ्र विश्वास दिलाता हूं माता सीता को। प्रणाम प्रभु। मैं शीघ्र ही माता सीता के बारे में ज्ञात करके आऊंगा प्रभु।
इतने दिवस हो गए, चारों ओर वानर सेना फैल चुकी है, किंतु अभी तक माता सीता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है। न जाने माता सीता कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी। बहुत ही निर्जन स्थान है ये, यहाँ मनुष्य तो क्या, एक पक्षी एक जीवधारी तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ यहाँ कहाँ मिलेंगी सीता माता। हानल भैया, भूख भी बहुत लग रही है अब, किंतु यहाँ भोजन तो दूर, जल की बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है कहीं। सच कहा गंधमादन, कितने दिनों से यूं ही भूखे प्यासे भटक रहे हैं हम। ऐसे हम और कितने दिनों तक ढूंढ पाएंगे हम माता सीता को। किंतु हम बीच में ही ढूंढना तो नहीं रोक सकते ना मित्रों, एक माह के भीतर ही हमें ये कार्य पूर्ण करना है, अन्यथा हमें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको ज्ञात नहीं है काका जामवन जी, मेरे पिताश्री महाबली वाली का रूप दिखाई देता है सुग्रीव काका जी को मुझ में। मुझे देखते ही असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती होगी उनके मन में। इतने दिनों से भूखे प्यासे भटकने से तुम्हारा मन विचलित हो गया है पुत्र, इसीलिए ऐसे को विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में। नहीं काका, सुग्रीव जी ने सबके दबाव में आकर मुझे युवराज तो बना दिया, किंतु उन्हें भय लगा रहता है कहीं मैं उनका राज सिंहासन ना छीन लूं। उन्होंने मेरे प्राण हरने के लिए ही ये सब किया है। वापस जाकर मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। हाँ, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, प्राण त्याग देंगे हम लोग। हाँ अंगद जी, हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। हम भी अपने प्राण त्याग देंगे जी। हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। मैं इस शिला को अपने ऊपर फेंक कर अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अंगद। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण आपके साथ त्याग देंगे। हाँ अंगद जी, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसे भयभीत होकर जीने से अच्छा है हम मृत्यु को गले लगा ले। अब हमें नहीं जीना है अंगद जी, हमें मुझे भी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। हम भी अपने प्राण नहीं त्याग देंगे। ऐसा मत करो, तुम सब बाबले हो गए हो क्या, कोई भी अपने प्राण नहीं त्यागेगा। हमें अपने प्राण त्यागने से मत रोकिए जामवंत काकाश्री। हनुमान शीघ्र, हनुमान हनुमान शीघ्र, हनुमान हनुमान। जामवंत मामा, मैं बहुत आगे निकल आया उन सब से। ये युवराज अंगद क्या कर रहे हैं? अंगद ऐसा मत करो पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अंगद,
अंगद हट जाओ अंगद। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे थे ऐसा? युवराज अंगद, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दें। नहीं अंगद, छोटे से संकट से विचलित होकर तुम जैसा योद्धा ऐसे हार मान ले, इतने भीरू तो नहीं हो सकते तुम। बस कुछ दिनों की भूख प्यास ने इतना विचलित कर दिया तुम सबको कि अपने प्राण त्यागने की ठान बैठे। भ्राता सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि माता सीता दक्षिण में ही कहीं हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वीरों को इस ओर भेजा, और वो भी तुम्हारे बल पर विश्वास करके अंगद। किंतु असफल होकर लौटने पर उन्होंने हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? निराश मत हो मित्र, निराशा निकट आती हुई विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है। बहुत बड़ी आशा है उन्हें हम सबसे, और यदि तुम सबने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए तो अवश्य ही भ्राता सुग्रीव भी विषादग्रस्त होकर अपने प्राण त्याग देंगे। इन व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ हनुमान, हमें शीघ्र चलकर माता सीता को ढूंढना है। हमें पुनः माता सीता को ढूंढना आरंभ करना चाहिए। क्षमा करें मुझे, आप सबके नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया था, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था। बस अब और नहीं, अब यहां से हम माता सीता को ढूंढकर ही जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी, हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम। ये गुफा देखा, यही है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। गुप्त गुफा का द्वार प्रदर्शित हो गया हमारे समक्ष। चलो देखते हैं वहां पर, कदाचित हमें वहीं से माता सीता के बारे में कोई संकेत प्राप्त हो।
जय श्री राम। इस घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है। जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी, इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? इस सुरंग से निकलने वाले पक्षियों को नहीं देखा? कितने सुंदर, स्वस्थ और स्फूर्ति से भरे हुए थे। अर्थात ये युवराज कि इस सुरंग के भीतर अवश्य ही जल का स्रोत है, भोजन योग्य सामग्री जैसे फल वाले वृक्ष आदि हैं, जहां जाकर हम सब अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। जल पीकर प्यास बुझा सकते हैं। फिर नवीन ऊर्जा के साथ हम पुनः माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। हनुमान सत्य कह रहे हैं अंगद। भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों, देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब। मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो, किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता माँ को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सके। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहां सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी। आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा।
आगे बढ़ो साथियों। सतर्क रहो, सजग रहो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी। ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों। ये है पाषाण देहधारी मायावी दानव। ये तो भयानक दानव है, हमें जाना होगा यहां से। यहां भी दानव और इधर भी। यहाँ भी दानव और इधर भी। भयभीत मत हो साथियों, हम इन दानवों का सामना सहजता से कर लेंगे। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। दानवों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर और भी दानव हैं।
मत हो साथियों, किसी को कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन दानवों का सामना करेंगे। प्रभु श्री राम का नाम हमें इन दानवों पर विजय दिलाएगा। और हो सकता है हमें इसी गुफा से माता सीता को ढूंढने का कोई संकेत मिले। इस गुफा में प्रवेश संकेत है तुम सबकी मृत्यु का। सामना करो इन दानवों का। संकट का सामना करने से ही संकट पर विजय पाओगे। कोई नहीं भागेगा। कर चटनी बना देंगे, खा जाएंगे हम पाषाण दानव तुम तुच्छ वानरों को। मूर्ख दानव, ये तुच्छ वानर नहीं किष्किंधा के महाबली महापराक्रमी योद्धा हैं। श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और प्रभु श्री राम का कार्य कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो यही तुम्हारे साथ अंत कर देता हूँ तुम्हारे प्रभु के कार्य का। प्रभु श्री राम का कार्य कभी नहीं रुक सकता पाषाण बुद्धि दानव। लो पाषाण दानव, संभालो हनुमान का प्रहार। हनुमान जी की ही भांति टूट पड़ो इन पाषाण दानवों पर, इन पाषाणों को धूल बना दो वीरों। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धूल में तो मैं तुम्हें मिलाऊंगा वानर। देखो ये अंगद का वार। अच्छा मेरे ऊपर
फर्ज है तुझ चुमाना। ये अंगद का पांव है जिसे हिलाने की शक्ति तुम में तो क्या पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। पकड़ना तो दूर, तुम छू भी नहीं पाओगे नल को। अग्नि किसी के हाथ नहीं आती। अग्निपुत्र नील को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है मूर्ख दानव। आओ 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 आजा आओ। ए पाषाण दानव, करो मुझ पर वार, देखो कितनी शक्ति है तुम में। तुझ वानर, दिखाता हूँ तुम्हें मेरी शक्ति। धूर्त वानर, दुष्ट वानर, बहुत से ही मसल लूंगा मैं तुम्हें। पाषाण के दानवो आओ। तुम पाषाणों को तोड़कर चकना चूर कर देंगे हम नल और नील। आओ। आओ 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 आओ। हो गए चकनाचूर। मरोड़ोगे तो मूर्ख दानव, अभी बताता हूं तुझे। Yeah!
पाषाण दानव। ये पाषाण दानव तो नल और नील की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। हो गए सारे पाषाण दानव। जय श्री राम। 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 क्षमा करें प्रभु, मैंने संपूर्ण उत्तर दिशा में ढूंढ लिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान तक जाकर देख लिया, किंतु मुझे माता सीता के बारे में कोई संकेत तक नहीं मिल पाया। बड़ा ही अभागा हूँ मैं जो प्रभु के किसी काम ना आ सका। ऐसा मत कहिए शतबली जी, मुझे तो प्रसन्नता हुई है कि आपने पूर्ण प्रयास किया है। कदापि अभी समय नहीं आया है शुभ समाचार का। प्रभु, अभी हमारे योद्धा तीन दिशाओं में और ढूंढ रहे हैं, उनमें से अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर लौटेगा। इतना प्रयास हो रहा है, परिणाम अनुकूल ही होगा सुग्रीव जी। बस इस कार्य में किसी को कोई क्षति ना पहुंचे और ना ही किसी को कोई बाधा रोक पाए। अब ये क्या माया है? ये तो पुनः ठीक हो रहा है। आश्चर्य है, इनके टूटे हुए पाषाण तो पुनः जुड़ रहे हैं। इस प्रकार तो ये सब पुनः जीवित हो जाएंगे। अब क्या करें हनुमान जी, ये तो पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार तो हम इनका अंत करते करते क्लांत हो जाएंगे और तब ये हम सबके लिए बड़ा संकट बन जाएंगे। इनको समाप्त करने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। यही मैं भी सोच रहा था युवराज, मैं कुछ नवीन और कुछ पृथक सा करके देखता हूं।
कैसे जीवित होते हो तुम? सभी वानर योद्धाओं को सुरंग के दूसरे छोर पर ले जाओ। हनुमान अकेले ही इन पाषाण दानवों का अंत करेगा। चलो साथियों, सुरंग के दूसरे छोर की ओर। तुम सब कहां चले? हनुमान से बच के नहीं जा पाओगे तुम सब। शीघ्र जाओ सोर। पर्वत पर ये सुसज्जित गुफा
ये तो हम पर्वत के छोर पर आ गए। आगे दूसरे पर्वत पर जाने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ युवराज अंगद, इस दहकते हुए लावे को पार करना तो बहुत कठिन है। अब क्या करें हम, यहाँ तो इतना स्थान भी नहीं है कि हम सब खड़े हो सकें। और पीछे से वो पाषाण दानव आ रहे हैं। वे तो इसी ओर आ रहे हैं। युवराज अंगद, क्या करें हनुमान जी? युवराज, दृढ़ इच्छा हो तो मार्ग निकल ही आते हैं। तुम उपाय सोचो, मैं इन पाषाण दानवों को देखता हूं। मैं प्रभु श्री राम के कार्य को कदापि अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। बल के साथ बुद्धि का प्रयोग कर बड़े से बड़े शत्रु को पराजित किया जा सकता है।